बाबा लेने के लिए आ गए, ये फुल कोशिश करिए, बस ये दोनों लड़ती रहे। आमी आप ये पिज्जा देख रहे, नया पिज्जा आया है। कैसा आप सब लोग, एंड आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक हो गए। और आज की वीडियो भी हमेशा की तरह सहरी से स्टार्ट करते हैं, और अभी जो टाइम सहरी का ही हो रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो जल्दी से हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। क्या बोल रही थी अभी, आज से खाना भी आप अपना ये बना लो। क्या है बताओ, पहली बात है आप अभी अभी ब्लॉग में आई तो आपको सबसे पहले सलाम करना चाहिए, आपको इतनी तो मैनर्स होनी चाहिए। नहीं आपने सिखाई। नहीं मैं क्यों सिखाऊंगी, ये तो खुद आती नहीं, है तो आपने नहीं सिखाई है। अच्छा तो आप बस जल्दी सलाम, अभी भी बोलने के बाद भी सलाम नहीं करे, आप लोग सब देख लें, बदतमीज कहेंगे सब तुम्हें। वालेकुम अस्सलाम, सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आप लोग के घर पे आई हूँ तो चाय पानी का तो इंसान पूछ ही लेते, चाय पानी का नहीं तो खाने का ही पूछ लेते, इंसान भूखा है तो पूछे। ओके ओके मैं जा रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। और यहाँ जो है अभी पराठा बन रहा है, और गैस जो है बहुत स्लो हो गई है, सहरी में तो बहुत जो है ना टाइम लग रहा है पराठा बनने में भी। और यहाँ एक साइड पे जो है रोटी बन रही है, और रोटी मुझे अच्छी लगती है, और पराठा सामिया के लिए बन रहा है क्योंकि उसके साथ ही भुजिया, तो वो बाकी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी ये सब बन जाए तो फिर उसके बाद में दिखाती हूँ। यहाँ जो है आज की सहरी भी रेडी है, और आज है सहरी में पराठा रोटी चाय, और ये है आलू गोभी की भुजिया, आलू गोभी और मटर की भुजिया। गोभी होती है, क्या होती है, गोभी होती है, और एक और क्या होती है, बंद गोभी। अब मुझे नहीं पता ये गोभी है बंद गोभी है, तो आप लोग जो है खुद ही आइडिया लगा लीजिएगा। गोभी तो है ना, हाँ गोभी तो है ना, बस वो बन हो या जैसी भी हो है रे, हाँ फूल गोभी भी होता है, ये मेरे ख्याल से ये गोभी है बस, आई डोंट नो। खैर चलो छोड़ो, और ये मेरी तो फेवरेट भुजी है, तुम पागल हो जो तुम्हें नहीं पसंद। तो बाकी अब हम जल्दी से सहरी करते हैं, और इसका देखिए यहाँ पे ड्रामा चल रहा है, और यहाँ पे बनाना भी ला के रखा हुआ है एक्स्ट्रा। तो बस अब जल्दी से हम जो है मैजिक करते हैं, और फिर देखते हैं कि ये जल्दी से फिनिश हो जाएगी, तो आप लोग रेडी हो जाओ। और यहाँ जो है सब फिनिश हो गया, बस ये पराठा बच गया है, क्योंकि यहाँ सब फिनिश हो गया तो हम इस बेचारे को किसके साथ खाएँ। तो अब ये रख देंगे, और बाकी जो है अब चलते हैं जल्दी से वजू करते हैं, आप ये लेके जाइए चलें। मेरी बारी आ हाँ सामिया की बारी है, ओके कोई बात नहीं चलो। तो अभी हम मिलते हैं वजू वगैरह करके। सोनिया को याद कर रही हो, वो तो तुम्हें याद ही नहीं कर रही होगी। चलो कोई बात नहीं, चलो अब मिलते हैं थोड़ी देर में वजू वगैरह करके, आप लोगों को तो अभी मिल जाएंगे, एक मिनट भी नहीं लगेगा। यस वजू वगैरह करके बैठ गए, और अब वेट कर रहे हैं अजान होने का, भी अजान होने ही वाली है थोड़ी देर में, तो 5 मिनट या 5-10 मिनट ही है, तो अभी अजान होगी फिर जो है वजू वगैरह करेंगे। ओ वजू तो हमने कर लिया, तो अभी अजान होगी फिर नमाज वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो अभी वेट करते हैं अजान होने का। नहीं बिल्कुल शर्म नहीं आती, ये चादर सही करी है अभी, और हम तीनों महीने इधर सोते हैं, उस कोने पे मैं सोती हूँ, वो जो कोना है जहाँ पे पिंटू पड़ा हुआ है यहाँ, अच्छा बीच में सामिया सोती है छोटी है ना इसलिए, और इधर कोने में जो है सोनिया सोती है। अच्छा याद आ रही है, बाद में खुजली हो रही है इसलिए याद आ रही है। चलो कोई बात नहीं, अब साल में आएगी ना। जल्दी मैं भी पानी पी लूं, दुआ मांगो समय का दिन, अभी तो मेरी शहरी रमजान और अबान हो रही है, नमाज पढ़ेंगे सो जाएंगे, तो फिर मिलते हैं सुबह। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट। The next day. Assalamu alaikum and good morning, और morning हमारी हो गई है, मेरी हुई है अभी, वो दोनों तो सो ही रही हैं, उन दोनों की अभी नहीं हुई क्योंकि मुझे अभी जाना है, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी, मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है क्योंकि उसकी मम्मा की तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक नहीं है, तो मेरा जाना नहीं हो रहा था, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा मैं आज जाऊँ और देख कर आ जाऊँ जल्दी से। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, तो बस वहाँ से आके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, और फिर उसके बाद मैं दिखाऊँगी कि क्या होता है घर में, क्या तैयारियाँ इफ्तारी की। तो अभी मैं जा रही हूँ, मुझे लेट भी हो रहा है, तो फिर वहाँ से आके मिलते हैं। और ये दोनों तो अभी तक सो रही हैं यहाँ पे, इन दोनों से आके मिलते हैं, तभी मैं जा रही हूँ जल्दी से, फिर वहाँ से आके मिलते हैं सोनी। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं अभी जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, और उसकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए तो आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है। और जब मैं यहाँ आ जाऊँ ये जाने ही नहीं दे रही है मैडम, ज़बरदस्ती इन्होंने रोका है कि नहीं रोज़ा खोल कर ही जाना, क्योंकि अभी थोड़ी देर में रोज़े का टाइम होने वाला है,
तो अब जो रोज़ा खोलकर ही अपने घर जाएंगे और जो भी कुछ होगा शेयर करती रहूँगी। ब्लॉग तो मैं कहीं जाकर छोड़ नहीं सकती, फिर पता है आप लोगों को कैसे डेली ब्लॉगिंग मिलेगी मेरी। तो अभी मैं स्टार्ट करा है यहाँ के, आई भी तो मैं कब से हूँ, तो अभी देखते हैं क्या होता है। और अभी जो इनके बाबा लेने के लिए आ गए, ये फुल कोशिश करिए रोकने की, बेचारे सारा उनके ऊपर मना नहीं किया था तो तूने मना कर दिया, तो फिर भी आ गए। अच्छा अभी तो तुमने मना करे ना, प्यार प्यार में बोलिए चलो ठीक है, और तो घर जाके पता चलेगा अभी से। अब्बू मेरे गुस्सा नहीं करते। हाँ वैसे इसके अब्बू बहुत अच्छे हैं। फौरन बोल दिया रोजे के फौरन बाद वो लेने आ जाएंगे। नहीं ना, अब तो इसने मना कर दिया, अब जब तक इसकी कॉल नहीं जाएगी कोई कॉल भी करके नहीं पूछेगा इनकी बेटी कहाँ। बोलो जब तक मैं कॉल ना करूँ जब तक कोई घर से हिले ना। अच्छा मैडम ठीक है, हम यही रुक जाएंगे, आज दो दिन बाद जाएंगे अपने घर। और अभी जो जल्दी जल्दी से जो है अफ्तार की तैयारी कर रही हूँ, यहाँ पे पकौड़े फ्राई कर रही है, और अभी मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, क्योंकि मैक्रोनी वैसे सोचा ही था कि मम्मा के हाथ की मैक्रोनी सबको ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब स्पेगेटी इसको तो बहुत ही पसंद है। जब हम स्कूल में होते थे ये मुझे हमेशा बोलती थी स्कूल में, यार सोना मम्मा के हाथ की स्पेगेटी खिला दो, मैं हमेशा इसकी वजह से स्पेगेटी लेकर आती थी स्कूल में। तो अभी तो यहाँ पे मैं स्पेगेटी बना रही हूँ, क्योंकि इसने इतनी जल्दी जल्दी में रोका, मैंने हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे रोजा खोलने का। मैंने बोला था आपको कि आप, तो मैंने मना भी करा था कि यार नहीं फिर कभी ऐसा हो नहीं सकता ना, आवाज है भी छोड़ दूँ। हाँ ये भी, हम इनके घर आ जाओ ये छोड़ दें, इसलिए ना इसके घर आने को डर लगता है। क्योंकि बोलो कि कुछ नहीं करना, ये उससे ज़्यादा डबल करके बैठी हुई होती है घर में। और यहाँ पे क्या मस्जिद करीब ही है तुम्हारे घर के सामने ही। हाँ जब भी नाद की आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है यहाँ पे, और एक तो अभी नमाज पढ़ने चली गई, हमारी नमाज रह गई, खुद आराम से नमाज पढ़ने चली गई, कोई बात नहीं। नाद शेप के काटे दिखाओ आलू तो चाह रही हूँ। नहीं नहीं सही काटे, ऐसा कोई बात नहीं। कैसे बने अच्छे तो बने यार, तो घर पर आ रही हो तो मैं आता नहीं। अच्छा, मैं तो कल ही कटिंग तुम्हारी है। मैं आऊंगी अच्छे बनेंगे, आओ लो शाबाश। मैं वैसे मम्मा से पूछती हूँ, और मम्मा आज इफ्तारी में क्या बन रहा है, आज मैं भानुर से पूछती हूँ, और भानुर आज आप इफ्तारी में क्या बना रही हैं? आज भानुर पहले आप सलाम, हाँ पहले आप सलाम करें अंडी की तरह, ये बोले और कौन सा रोजा है, चौबीस। हाँ बोलो चौबीस रोजा, सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो, पाँच रोजे रह गए हैं। हाँ अब तो जाने, और क्या बोलती हैं अंडी? और बोलती हैं आप सब अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, इसकी मम्मा को भी दुआ में याद रखें, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ और दादा को भी दुआओं में याद रखें, आमीन। तो बस आज पकौड़े बना रही हैं आप, और महानूर की मम्मा तो हमारी फेवरेट ही हैं भाई, उनके पास आ जाओ, इससे मिलने हम आते भी नहीं है, हम आंटी से ही मिलने आते हैं। वो हमें आंटी की तरह नहीं मिलती है, वो हमें दोस्तों की तरह मिलती है। हाँ ऐसे नहीं मिलती कि फ्रेंड की अम्मी है, कि हम थोड़ा सा उनके सामने से ऐसे हो, बस हम सारी बातें कर लेते हैं, सब बातें शेयर, हर तरह की तो बहुत अच्छी हैं, उनके लिए आप दुआ करें बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। बस ये दोनों लड़ती रहे, आपको पता है, आप लोग को पता है यार, तो हाथ तो देखे आप, आपा के हाथ है माशाल्लाह से। अच्छा तुम दोनों ना, अच्छा तुम बस नमाज पढ़ रही ना, आपा हज्जन हज्जन आपा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी हिदायत दे, इन्हें भी हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, आमीन। इनको तो ज्यादा दे, बहुत आप दोनों ना लड़ना कम करें, जल्दी जल्दी इफ्तार की तैयारी करें, सिर्फ आधा घंटा रहता है। मेरा जो काम था ना मैंने अभी कर दिया, अभी मेरी स्पेगेटी का सामान कट रहा है वहाँ पे। देखा भाभी हजन भाभी बाजी हजन क्या बोल, कैमरा बंद कर, ओके ओके कैमरा बंद, आमीन आमीन। और यहाँ जो है दुआ चल रही है, और ये लोग सब दुआ मांग रहे हैं, आमीन। अच्छे अच्छे रुमाई सर, अच्छी अच्छी दुआ मांगना मेरे लिए, और स्पेशली महानूर के लिए। और यहाँ जो दस्तखान बिछ गया, हमारी मैक्रोनी रह गई क्योंकि लेट इतने हो गए, अब वो जो है हम इफ्तार के बाद बनाएंगे, तो अब जो रोज़ा खोलते हैं उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। वगैरह तो खोल लिया है, और जो अभी मैक्रोनी बना रही हूँ, क्योंकि मैक्रोनी
बिरयानी हमें बनानी थी और इतनी जल्दी जल्दी हुआ तो टाइम भी ज़्यादा नहीं था इसलिए वो बन नहीं सकी। तो हमने कहा रोज़े के बाद ही खा लेंगे, तो अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फ्री हो गई। मैंने कहा मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ यहाँ, और किचन से तो आप पहचानी होंगी कहाँ आई हूँ, ये तो फेमस है। और बाकी वो दोनों अभी नमाज़ पढ़ी है तो मैं जल्दी से मैक्रोनी रेडी करके फिर हम बैठ के बातें करेंगे। तो जब तक यहाँ हूँ जब तक तो ब्लॉग बना ही रही हूँ, फिर घर जाके एंड कर दूँगी। और यहाँ जो है मैक्रोनी भी रेडी है। और ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और अभी अभी मैं घर के अंदर इंटर हुई हूँ, दोनों गेट पे खड़ी हुई मेरा वेट कर रही थी। तो? और आप क्या मैसेजेस कर रही थी, क्या क्या खाया है मेरे बगैर, चलो जरा आओ। क्या बनाया था? पिज्जा। क्या क्या खाया है आपने मेरे बगैर, इतना बुरा पिज्जा खाया, इतना बुरा पिज्जा, पिज्जा ही नहीं बना होगा अभी तक, से गले से नहीं उतरा। सच में पिज्जा बनाया था? सच में बनाया था? सच में बनाया था? अच्छा तो अकेले अकेले खा भी लिया, बहुत शर्म है। मेरे लिए रखा भी नहीं होगा, बहुत बदतमीज है। लेकर आओ जल्दी, जाओ जल्दी जाओ, सोनिया पे ने बनाया, जाओ सोनिया लेकर आओ। ये क्या है, ये क्या सा पिज्जा है? तो ये क्या है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, कौन सी डिश बनाई है सोनिया? ये क्या यार, ये क्या मतलब, बस चीज डाल दी और कुछ भी नहीं करा ना। वाह वाह, आप ये पिज्जा देख रहे, नया पिज्जा है। तो अभी मैं घर आई हूँ और आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आप सबने एंजॉय करा होगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर सब कर दिएगा, कुछ भी करना नहीं भूलिएगा। तो बस चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो सी यू द नेक्स्ट व्लॉग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।